यहाँ पे हम लोग बीच पे पहुँच चुके हैं और पतिदेव जो है फोटो ले रहे थे। हम लोग जा रहे हैं जी अब समुद्र के किनारे और सनसेट जो है बस अब होने ही वाला है। यहाँ आते ही रंग में आ गया क्लियास, बस मिट्टी लेके फेंकना इधर से उधर। और यहाँ का जो लाइटिंग देख रहे हैं, डेकोरेशन देख रहे हैं और यहाँ का जो वाइब देख रहे हैं, एम्बियंस देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसमस को लेकर के कितना अच्छा से सजाया हुआ है ना। वाओ ये सामने डियर है। हमारे रुद्र पूजा जो है अब साथ में घूमना क्यों बंद कर दिए, तो इसको लेकर के जी कुछ बात हो गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या छिपाना दी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो आज है जी गोवा में हमारा सातवां दिन और हम लोग जो है तैयार होकर के अभी जा रहे हैं एक और नए स्थान पर, एक और नए बीच पर। गोवा बीचों का शहर है जी, तो जितना भी बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितने भी खूबसूरत से बीचेज है, सभी को हम लोग जो है घूमने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है क्रियांश उधर अपनी मम्मी के साथ है और इधर बाइक है, तो लेकर के चलते हैं। अरे क्या बाय बाय कर रहा है उधर से, बाय कर रहा है, आजा आजा इधर आजा। तो हम लोग निकल लिए जी रोम से मजोडा बीच की तरफ और जब जा रहे थे जी उस समय था शाम का समय, सनसेट का समय, कुछ ही देर में जो है सनसेट होने वाला था। और मजोडा बीच पर जब पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे जी सनसेट का, वहां तो नजारा और भी जरा बेहतरीन रहता है। तो रास्ते में जी बहुत ही अच्छा लग रहा था यह सब सीन देख करके, और हम लोगों को जो है एकदम खाली खाली रास्ता मिला, तो बाइक भी चलाने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और यह था जी सनसेट का समय, जो भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी फील्ड से होंगे या जो फोटो और वीडियो के फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे वो हमारी बात से जो है सहमत होंगे कि इस समय जो है फोटो और वीडियो जो है काफी ज्यादा अच्छा आता है। इस ट्रिप में जी सब कुछ तो बेहतरीन था, बस एक कसक मन में रह गई। मैं एक सीन को इमेजिन कर रहा था जो कि मैं टीवी में देखता था और बहुत सारी वीडियो सब मैं देखा करता था कि गोवा के रोड के दोनों साइड जो है नारियल का पेड़ और एकदम खाली खाली एरिया जैसा, और कहीं कहीं तो एकदम पानी सब भी रहता था दोनों साइड रोड के। तो उस तरह का सीन तो हम गोवा में नहीं देख पाए। और जी यह भी संभव है कि जहां भी हम गए हैं वहां जो है बहुत सारी घर सब बसे हुए थे, तो वह जो है टूरिस्ट एरिया था, तो इसलिए जो है उधर थोड़ा क्राउड नजर आ गया। और इस तरह का कुछ खाली एरिया सब हो गोवा में, तो उस तरह के जगह को जी हम जरूर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। जो भी गोवा के हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा उस तरह का जगह हमें कहाँ मिलेगा। तो अभी हम लोग बीच पे बस पहुँचने वाले हैं और यहाँ देख सकते हैं गाड़ियाँ कितनी लगी हुई है, 1 किलोमीटर से ही गाड़ियाँ लगी हुई है। हम लोग जब आ रहे थे इतना खाली खाली लग रहा था, सिर्फ हम ही लोग जा रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी पहले से लगी हुई है बहुत। और अभी सनसेट होने वाला है तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। A few moments later. यहाँ पे हम लोग बीच पे पहुँच चुके हैं और पतिदेव जो है फोटो ले रहे थे यहाँ से, जो कि बहुत मुझे लग रहा है यहाँ पे म्यूजिक व्यूजिक भी चल रहा है। देखिए बहुत म्यूजिक सब चल रहा है और हमें सबसे ज्यादा जो अफसोस हो रहा है सामने देख रहे हैं हमारा सेलिंग हो रहा है। हाँ ये सब कुछ हम लोगों का बुक था और हम लोग नहीं कर पाए। पैकेज और वहाँ था कॉम्बो पैकेज, बहुत सस्ते में हो रहा था, 1300 में लगभग सब कुछ, स्पीड रैम जेट्स की ये सब, और हम लोगों से मिस हो गया। कोई बात नहीं, अफसोस हो रहा है। और यहाँ सब सब कुछ देखने पर इंडिविजुअली ही उसका शायद 1000-1500 रुपया चार्ज कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जी अब समुद्र के किनारे और सनसेट जो है बस अब होने ही वाला है, तो सूर्य देवता के सामने अगर कुछ फोटोग्राफी सब हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो चलते हैं जल्दी से। तो हम लोग जी पहुंच गए हैं समुद्र के किनारे और यहां पर फोटो सब ले ही रहे थे कि हमें अपने यहां पर एक सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम हुआ आपका? मंजू यादव। मंजू जी, तो मंजू जी से हमारी मुलाकात हो गई यहाँ पर और मालूम चला कि अपनी सब्सक्राइबर ही है। और बताइए। और हम लोग इधर कारवार में रहते हैं। हाँ हाँ अच्छा। आप लोगों को जैसे ही देखा हो, मैं इतनी खुशी हुई कि बस एक पल भी रुका नहीं गया और क्रियांश को देखने के लिए। और आंटी जी आप ब्लॉग्स बहुत अच्छा बनाती है, ब्लॉग्स में आया करिए। चलिए जी, थैंक यू। आपका यहाँ मैसेज जो आंटी जी तक पहुँच जाएगा। yes. तो फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग भी करते हैं एंजॉय। तो यहाँ पर जी चल रहा है बहुत ही एंजॉयमेंट। ओए क्रियांश, हो गया मस्ती शुरू? यहाँ आते ही रंग में आ गया क्रियांश, बस मिट्टी लेके फेंकना इधर से उधर। तो यहाँ पे पतिदेव ड्रोन उड़ाने वाले और पापा। क्रिया
भागी जा रहा है। कहाँ जाना है आपको? तो शाम का समय हो गया है जी, और हमारे सूर्य देवता जो हैं अब अस्त हो चुके हैं, और काफी अच्छा लग रहा है जी। और इस समय का जो माहौल है जी, पूछिए मत। ये आज सबसे ज्यादा एंजॉय करता है, बीच पे भागते रहता है, भारी भाग। बिल्कुल बिल्कुल जी, और बालू को उठाता है ऐसे फेंकते हैं। हाँ, और आज हम लोग जो है कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर आराम से बैठेंगे और यह जो व्यू है इसको एंजॉय करेंगे। और जो ट्रिप का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी, वो हम लोग जाने वाले हैं आसपास में पलोलेम बीच, और साथ में दूध सागर फॉल्स। तो वो दो बचा हुआ है, तो वो दो हम लोग जो है बाकी दो दिन में कवर करेंगे, और तीसरे दिन जो है फिर हम लोगों का डिपार्चर है। ये इसको नीचे जाना है। और उधर देख सकते हैं जी कितने सारे हट है, वहाँ पर ढेर सारा हट बना हुआ है, लेकिन उसके लिए हम लोग थोड़ा पहले आते तो अच्छा रहता, अभी हट का कोई यूज लग नहीं रहा है। अभी आराम से हम लोग जो है वहाँ सूखा हुआ जो बालू है वहीं पर जा करके बैठ जाएंगे। जब धूप रहता है उस समय थोड़ा हट लेते तो उसका यूज भी बन रहा था, अभी बस खाली फोटो वीडियो लेना है। तो हट फोटो वीडियो भी नहीं है, अभी अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं हट का अभी। तो हम लोग जी यहाँ बीच में अच्छा खासा समय बिता लिया, और काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ का, और ये कह सकते हैं जी कैंडल लाइट डिनर हम लोगों ने किया, डिनर तो नहीं दी, ये कह सकते हैं स्नैक्स लिया हमने। और उसके बाद चल रहे हैं रूम पर, और यहाँ का जो लाइटिंग देख रहे हैं, डेकोरेशन देख रहे हैं, और यहाँ का जो वाइब देख रहे हैं, एम्बियंस देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है जी। और रात में जो है बहुत लोग देख रहे हैं, समुद्र के किनारे भी जा रहे हैं, इस समय जो है जाने का मन नहीं कर रहा है, अब मन कर रहा है कि सीधा जाए रूम पर और जा कर के रेस्ट करें, क्योंकि हम लोगों को अगले दिन जो है किसी नेक्स्ट स्पॉट पर निकलना है, तो शरीर में थोड़ी एनर्जी रहेगी तो घूमने में भी मज़ा आएगा। और क्रियांश जो है यहाँ पर खूब मज़ा किया, हम लोग जो खाना खा रहे थे उस खाने में बालू डाल दिया खाने ही नहीं दिया, एक फ्रेंच फ्राई मंगाया था और एक पनीर पकौड़ा, पनीर पकौड़ा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खा पाए, उसमें पूरा बालू डाल दिया क्रियांश ने। तो अच्छा है जी, एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया, एडवेंचर करवा दिया क्रियांश ने। और इसके बाद चलते हैं सीधा, बाइक लगी हुई है पार्किंग में, वहाँ से बाइक उठाएंगे और बाइक उठा करके चलेंगे किसी अगले स्पॉट पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसमस को लेकर के कितना अच्छा से सजाया हुआ है ना। ओ भाई साहब, बहुत अच्छा लग ये तो है। सीन है, एक बार लेफ्ट साइड ले जाना कैमरा, देख वाओ, ये वो देख सेंटर है, सामने डियर है, वो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। The next day. तो कल जी हम लोगों का हो गया था घूमना फिरना, और घूमने फिरने के बाद जो हम लोग आ गए थे रूम में, और इतना ज्यादा थक गए थे उस बीच से आकर के कि हम लोग का हिम्मत नहीं हुई कि जो आगे कुछ भी वीडियो शूट करें। तो फिलहाल जो है अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और आज हम लोग कहीं भी नहीं घूम रहे क्योंकि बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो गया है, और बहुत दिनों से जो है घूमना फिरना चल नहीं रहा है, हर दिन कम से कम 50-60 किलोमीटर का राउंड हो जा रहा है बाइक से, और छोटे बच्चे को लेकर किस तरह से घूमना। तो हम लोग तो आज भी घूम लेते, लेकिन हमने सोचा क्रियांश को ना दिक्कत हो जाए तो एक दिन रेस्ट लेना चाहिए, तो हम लोग एक दिन ब्रेक ले लिए। और बाकी जी कमेंट देख रहा था, बहुत ज्यादा यह कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, ज्यादा आ रहा था, हम और रुद्र पूजा जो है आप साथ में घूमना क्यों बंद कर दिए, इतना अच्छा तो घूम रहे थे, सभी लोग साथ में थे तो वीडियो सब भी अच्छे से बन रहा था, और आप लोग को जो है कोलैबोरेशन भी काफी पसंद आ रहा था। फिर ऐसा क्या हो गया जो वो लोग जो है अपना अलग रास्ते चले गए और हम जो है अलग रास्ते चले गए, हम और रुद्र पूजा जो है अब जो साथ नहीं घूम रहे, तो इसको लेकर के जी कुछ बात हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ, क्या छिपाना जी, बता ही देते हैं। तो जी बात ये हो गई है कि रुद्र पूजा जो है उनका कहीं का और का प्लान बन गया, तो उनको जाना था सूरत, उनके भैया रहते हैं ना वहाँ पर, शायद भैया भाभी रहते हैं, तो वहाँ उनको जाना पड़ गया, और उनका जो है ट्रिप भी जो था शॉर्ट टाइम के लिए था, अपना जो टाइम था, और हमारा जो है जितना टाइम तक रुद्र भाई रहने वाले थे उससे लगभग 4-5 दिन एक्स्ट्रा हमारा ट्रिप होना था यहाँ पर, क्योंकि वो लोग कल गए और हम लोग 29 को जाएंगे, तो हम लोगों का जो है थोड़ा अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्टे होना है। मुझे क्रियांश कुछ बदमाशी करने लग गया था, तो क्रियांश की आवाज सुनकर क्रियांश जो है भाग करके चले गई थी, क्या हुआ, तो कुछ नहीं कर रहा था, अपना जो कंठ है उसमें उंगली कर रहा था, वो वह आवाज कर रहा था, वो तो बदमाशी अपना कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था ये। और बाकी रही बात रुद्र पूजा की, तो जी हम लोगों की अच्छी जुगलबंदी है, और भगवान की दया रही तो यह जुगलबंदी आगे भी चलती रहेगी, और जो है हम लोग जो है साथ में ट्रिप करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं लगभग साथ में हम लोगों का ट्रिप हो ही जाता है, और जी उम्मीद करते हैं आगे भी कहीं भी ट्रिप होगा तो कहीं पर चलेंगे हम लोग। कोई प्लान नहीं था, लेकिन पूजा लोग का ट्रिप था तो उन्होंने बोला कि चलो चलो चलो, तो फिर हम लोगों को भी आना पड़ा,
इस वजह से हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, भगवान की दया से अभी तक ठीक है। बिल्कुल, ऊपर वाले की इच्छा रही तो आगे भी ठीक, आगे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो अब ऐसा करते हैं, जिस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, अगले ब्लॉग में आपको जो है गोवा के किसी नई जगह में दिखेंगे और किसी नई बहुत ही बेहतरीन जगह सब में मिलेंगे हम लोग, क्योंकि जहाँ जाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आप लोग जो है ब्लॉग से बनी रहिएगा, अगला ब्लॉग जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।